यद्यप्येन शुष्काय स्थाणवे ब्रूयात् जायेरन्ने वास्मिन् शाखा प्ररोहेयो पलाशानिति। तो ये ज्ञान अगर सूखे ठूंठ को भी कहा जाए तो उसमें से शाखाएं निकल आती हैं और उसमें पत्ते फूटने लगते हैं। ये छांदोग्य उपनिषद का घोष है। उस ज्ञान को ढूंढने के पहले हम उसके मूल तक पहुंचे जिसे हम वेद कहते हैं। इसलिए कि वेद भारतीय चिंतन और दर्शन का आधार है, इसलिए उपनिषदों की यात्रा के पहले हम वेद और भारतीय जीवन के आधार स्तंभ चार पुरुषार्थ, चार आश्रम और चार वर्णों को समझें। और जैसे जैसे हम वेदों से उपनिषद की यात्रा पर पहुंचेंगे, ज्ञान पर पड़ा अंधकार का पर्दा खुलता जाएगा। समानीव आकूति समाना हृदयानिव समानमस्तु वो मनो यथाव सुसहासति। तुम्हारे निश्चय एक हो, तुम्हारे हृदय एक हो, तुम्हारे विचार एक हो, ताकि तुम सब सुखपूर्वक एक साथ रह सको। सावधान, सभी सावधान, सब पर कहर बरसने वाला है। क्या हुआ अमीर? आलमगीर औरंगजेब के हुक्म से हमारे प्यारे दारा शिकोह को बंदी बना लिया गया है। आलमगीर के सिपाही हमारे दारा को जंजीरों में जकड़े चांदनी चौक में घुमा रहे हैं। जिसे तख्त मिलना चाहिए था उसे ताबूत मिला। दारा, दारा। बताओ नजर बेग, कैसा लगा दिल्ली वालों को हमारा तोहफा? यहां पना आलमगीर, बहुत मजा आया। लाखों लोग तमाशा देखने दिल्ली की सड़कों पर निकल आए थे। ये भी तो बताओ कि कैसे लोग दारा को देख करके रो रहे थे। मगर ये बताओ कि दारा रो रहा था या नहीं? जी नहीं आलीजा, वो तो बिल्कुल सुकून में लग रहे थे। पता नहीं किस कुएं का पानी पिया है उस हराम। खास बात ये है जहां पना कि जैसे ही आपके बड़े भाई दारा को लिए सिपाहियों का काफिला आगे बढ़ गया, बाजार में लोग सिपाहियों पर टूट पड़े। और सिपाही क्या नामर्द बने देखते रहे? जी नहीं शहजादी, पठान सिपाही उन पर टूटना ही चाहते थे कि चांदनी चौक की छतों से लोगों ने पत्थरों की बौछार शुरू कर दी। और तो और, घरों से औरतें उन पर कीचड़ और गोबर फेंकने लगी और पेशाब से भरे घड़े भी। बगावत है ये, बगावत। मेरे खिलाफ, मुगलिया सल्तनत के खिलाफ, खुदा के खिलाफ, और इसकी सजा मिलेगी। दारा को इसकी सजा मिलेगी। मैंने सोचा था वो मेरा बड़ा भाई है, इसलिए उसे इज्जत बख्शूंगा और वालिद साहब की तरह सिर्फ किसी किले में बाइज्जत महफूज रख दूंगा। मगर ये बगावत है। इस बगावत को सिर्फ एक तरह से ही ठंडा किया जा सकता है, और वो है मौत से। दारा की मौत से। जाओ नजर बेग, और बताओ मुझे कि अपनी मौत का हुक्मनामा सुनकर कैसे तड़पा मेरा बड़ा भाई। उसने मुझे बहुत तड़पाया है। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि वो अपने आखिरी लम्हों में कैसे तड़पता है। जाओ और बताओ मुझे कि कैसे वो चिल्लाया, कैसे उसके आंसू निकले, कैसे वो रोया, गिड़गिड़ाया, खिघियाया, अपनी मौत को सामने देखकर कैसे बेचैन हो उठा, सब बताना मुझे। जी आलीजा। अब जाओ सब तखलिया। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते।
बेटे, वो जो खुद को मारने वाला और वो जो खुद को मरने वाला समझता है, वो दोनों ये नहीं समझते कि ना कोई मारता है ना कोई मरता है, ना वो कभी पैदा होता है ना वो कभी मरता है। शरीर के मर जाने से वो नहीं मारा जाता। जिस तरह एक व्यक्ति पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े पहनता है, उसी तरह ये जीव पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करता है। पर आप इस वक्त भी इतने शांत कैसे हो सकते हैं अब्बाजान? यहां मौत हम दोनों के सामने खड़ी है और आप इतने सुकून से। मौत ही तो आखिरी सुकून है बेटा। मेरे उस्ताद मुअज्जिम मियां मीर बड़ी सूफी तबीयत के थे और हमेशा कहते थे कि मौत का वक्त ही पिया से मिलन की घड़ी होती है। अभी तुम छोटे हो, अगर ऊपर वाले ने वक्त दिया तो वेद जरूर पढ़ना। तुम समझ जाओगे कि मरना ताबूत में कैद होना नहीं है, वो तो आजाद हो जाना है। पर अब्बा जान, बादशाह बनकर भी तो अब आजादी होते ना। बेटे, हमारी जिंदगी पानी की बूंद की तरह है। मेरी बूंद की तकदीर में दो चीजें थी, या तो ये बूंद मोती बनकर कुछ दिनों तक चमक सकती थी, और या फिर ये बूंद हमेशा के लिए अपने सागर में मिल सकती थी। अब तुम ही बताओ, जिस छोटी सी बूंद को इतना बड़ा समंदर बनने का मौका मिल रहा हो, उसे खुश होना चाहिए या दुखी? मुआफ कीजिए शहजादे आलम, मैं तो हिंदू हूं, पर आपको वेद पुराण पढ़ने की क्या पड़ी थी? मेरे दादा जहांगीर वेदांत को सूफी ख्याल का कायदा कहा करते थे, पर असल में मेरा तारुफ वेदों और उपनिषदों से कराया मेरे पीर मियां मीर ने। अगर है शौक मिलने का तो हर दम लो लगाता जा, अगर है शौक मिलने का तो हर दम लो लगाता जा, जला कर खुद नुमाई को भसम तन पर लगाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हर दम लो लगाता जा। न मर भूखा न रख रोजा, न जा मस्जिद न कर सिजदा, न मर भूखा न रख रोजा, न जा मस्जिद न कर सिजदा, वजू का तोड़ दे कूजा, शराबे शौक पीता जा। अगर है शौक मिलने का तो हर दम लो लगाता जा। न हो मुल्ला न हो बम्मन, दुई की छोड़ कर कलंदर का अनल हक तू कहता जा। अगर है शौक मिलने का तो हर दम लो लगाता जा, अगर है शौक मिलने का तो हर दम लो लगाता जा, जला कर खुद नुमाई को बसम तन पर लगाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हर दम लो लगाता जा, तो हर
शाहजहां का सबसे चहेता शहजादा, मुगलिया सल्तनत का होने वाला बादशाह एक फकीर के पास क्या लेने आया है? मुअज्जिज़ दरवेश, मेरे परदादा जलालुद्दीन अकबर भी तो ख्वाजा मुईउद्दीन चिश्ती के पास सर झुकाने जाते थे, वैसे ही मैं भी आपके पास आया हूं। वो सचमुच एक पहुंची हुई रूह थे, मगर तुम्हें क्या मिलेगा इस गरीब से? मेरे परदादा ये भी कहते थे कि शाहों के घर पैदा होने से शहंशाही तो आ ही जाती है, मगर असल देखने, जानने और सीखने की चीज तो गरीबी है। तब तो तुम सही जगह आए हो बेटा। बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? बाबा, आप तो मुसलमान हैं, नमाज पढ़ते हैं, फिर भी दूसरे ख्यालात और मजहबों को भी मानते हैं, ये कैसी उलटबांसी है? ये कोई उलटबांसी नहीं है शहजादे, और कोई दोहरी बात भी नहीं है, क्योंकि वो तो एक ही है। उसकी रोशनी से ही हर जर्रा नुमाया है, हर बूंद में वही एक समंदर समाया है। कोई भी नाम कह लो तुम, हर जुबान ने बस उसे ही तो बुलाया है। वाह वाह, मगर फिर ये इतने अलग अलग ख्याल, मजहब, कायदे, क्या वो सब झूठे हैं? गौर से पढ़कर देखो, तालमूद को, अंजील को, उपनिषदों को और कुरान को, तुम्हें लगेगा जैसे सारे सागर एक साथ मिल रहे हैं। फारसी में इसे कहेंगे मजमुआ उल बहरीन। वाह, बेहतरीन। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ये नाम उस किताब के लिए चुरा लूं जो मैं हिंदू और इस्लामी ख्यालात की एकता पर लिख रहा हूं। फकीर से भी कोई कुछ चुरा सकता है, ये पहली बार सुन रहा हूं। आप फकीर कहां, आपके पास तो खजाना है। पर सबसे बड़ा खजाना तो है हमारी तहजीब के पास, जिसका नाम है वेद, उपनिषद, पुराण। मैं आपकी बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं, बल्कि मैं तो कहता हूं कि जिस तरह कुरान पाक अल्लाह का फरमान है, उसी तरह ये वेद भी उसी ऊपर वाले के शब्द हैं, बस जबान अलग अलग है। और इसीलिए ये जरूरी है कि एक दूसरे की जुबानों में इन पाक किताबों का तर्जुमा हो। जी, मैंने सुना है कि तुमने कई सूफी संतों का जीवन चरित्र लिखा है। जी हाँ, गुस्ताखी करने की कोशिश तो की है। मेरी बहन जहांआरा ने भी ख्वाजा मुईउद्दीन चिश्ती साहब की जिंदगी पर बयान लिखा है। लेकिन मजा तो तब आएगा जब तुम उपनिषदों का फारसी में तर्जुमा करोगे। एक नई दुनिया खुल जाएगी, न सिर्फ तुम्हारे सामने बल्कि दुनिया के सामने भी। जी, आपका हुक्म सर आंखों पर। लगता है आज शहजादा अपने अनुवाद से बहुत खुश हैं। खुश तो कौन ना होगा एक ऐसी कविता पढ़ के जिसमें सत्य का रहस्य छुपा हो। उपनिषदों के फारसी अनुवाद में वैसा ही मजा मिलता है जो किसी पहलवान से लड़ने में मिलता है। वो अलग बात है कि अक्सर पटखनी खानी पड़ती है। और मैं खुश आज इसलिए भी हूं कि मुझे अपनी इस किताब का उन्वान मिल गया है। अरे वाह, मैंने भी कई बार सोचा कि उपनिषदों के इस फारसी अनुवाद का क्या नाम रखा जाएगा। सिर्रे अकबर। वाह, सिर्रे अकबर, यानी एक महान रहस्य। जी हाँ, और इसमें मेरे परदादा जलालुद्दीन अकबर का इसमें शरीफ भी शामिल है, जिन्होंने हमेशा माना कि सच पर किसी एक मजहब का हक नहीं होता। वो तो सच्चे मायने में अकबर थे। गोस्वामी तुलसीदास जी से मिलने के लिए वो काशी तक चले गए थे। काशी तो मैं भी जाना चाहता हूं पंडित जी, कितना कुछ है वेदों में जो मेरी समझ से परे है।
हुक्मों को कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वाह, एक एक घाट ऐसा खूबसूरत नजर आ रहा है पंडित जी, जैसे किसी ने कतार दर कतार ताजी रख दिए हों। वाह वाह, और बाबा लालदास के दीदार हमें कहाँ हासिल होंगे? उनको आपके आने की सूचना भिजवा दी है। बेहतर। बहुत दूर से आपको तलाशते हुए आया हूँ बाबा लालदास जी। कहिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? है? बाबा, शहजादे ने वेदों और उपनिषदों का बहुत अध्ययन किया है, फिर भी इनके अनेक प्रश्न अनुत्तरित हैं। सारे उत्तर तो केवल मूर्ख के पास होते हैं। और फिर वेद तो है ही हमारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, फिर भी प्रश्न चाहे जीवन के बारे में हो, समाज के बारे में हो, दर्शन के बारे में हो, या फिर अध्यात्म के बारे में ही क्यों ना हो, प्रकृति के कण कण से लेकर ब्रह्मांड तक कुछ भी नहीं छूटा है वेदों में। वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान, सच को जानने समझने, और पानी की विद्या को ही वेद कहते हैं। पर ये ज्ञान सामान्य ज्ञान नहीं है, ये ईश्वरीय ज्ञान है जिससे ऋषियों ने साक्षात्कार किया था। वास्तव में वेद तो एक जीवन की किताब है, और ये किताब अपौरुषेय है, यानी वेदों को किसी मनुष्य ने नहीं लिखा है। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे ऋषियों ने उन मंत्रों को सुना और फिर ऋषियों के द्वारा ही वो मंत्र उनके शिष्यों तक श्रवण यानी सुनने के माध्यम से पहुंचते हैं। ऋषियों ने जो ज्ञान सुना और देखा वो वेद कहलाया। फिर उस संपूर्ण ज्ञान को चार हिस्सों में बांटकर चार वेद बने, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। बाबा, वेद तो चार हैं, परंतु वेदत्रयी का क्या अर्थ है? वेदों को पद्य, गद्य और गान के आधार पर भी बांटा गया है। पद्य को ऋक्, गद्य को यजुस और गान को साम का नाम दिया गया है। पद्य, गद्य और गान की ये त्रिवेणी ही वेद त्रयी कहलाई। शहजादे, हिंदुस्तानी मन को दुनिया पर विजय प्राप्त करने वाले बड़े बड़े योद्धा भी नहीं लुभाते। उसे बड़े बड़े सौदागर, बड़े बड़े गुणों की खान वाले महानायक भी नहीं लुभाते। तो फिर हिंदुस्तानी मन को कौन लुभाता है पंडित जी? उसे तो खुद पर विजय पाने वाले जितेंद्रिय ही लुभाते हैं। उसे आकर्षित करती है पवित्रता, इसीलिए हिंदुस्तानी मन को फकीर आकर्षित करते हैं। जो निर्धन है किंतु पवित्र, उसे आकर्षित करते हैं वो ऋषि जो सतत आत्मा की उपासना में लगा हुआ है। एक बात मेरी समझ में नहीं आई पंडित जी, सदियों की लड़ाई और गुलामी के बाद भी ये देश बचा कैसे रहा? शहजादे, हिंदुस्तान की तहजीब समस्त मानव जाति के आध्यात्मिक एकता के सिद्धांत पर टिकी है, इसीलिए कभी भीतर तो कभी बाहर की लड़ाइयों के बावजूद ये देश जिंदा रहा, तो सिर्फ इसलिए कि उसने अपनी आत्मा की अमरता के संदेश को पीढ़ी दर पीढ़ी अपने जहन में जिंदा रखा। आत्मा का विज्ञान ही इस देश की शक्ति है, इस देश का चरित्र है।
ऐसा नहीं है कि यहाँ का हर आदमी दार्शनिक था या आध्यात्मिक था, और ऐसा भी नहीं है कि वो जीवन की रसों से सुखों से बहुत दूर है, पर यहाँ की आबो हवा में कुछ है कि हर आदमी एक न एक दिन खुद से ये सवाल करता है, मैं कौन, मेरे जीवन का मकसद क्या है? और अगर वो ये कभी इस बात को भूल भी जाता है तो यहाँ के फकीर साधु संत और दरवेश उसे ये याद दिला देते हैं कि सोच तू कौन। देखिए अगले प्रकरण में, दारा शिकोह और बाबा लाल दास के बीच वेदों पर वार्ता चल रही है। औरंगजेब और उसके साथी दारा शिकोह के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। बनारस में भी पुरातन पंथी दारा शिकोह का विरोध कर रहे हैं। बनारस में दारा को अपने पिता के बीमारी की खबर मिलती है। भाइयों में तख्त के लिए गृह युद्ध छिड़ चुका है। दारा शिकोह आगरा जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। शिव स्वरूपः।